नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्क्रीन वाला। एक मिनट, स्क्रीन वाला तो हमारे सिनेमा वाले चैनल का नाम है। आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। एक्चुअली मैं टॉपिक ऐसा है जो स्क्रीन वाला और रणतंत्र दोनों जगह फिट हो सकता है, लेकिन यूट्यूब पर इंस्टाग्राम की तरह कोलैबोरेशन नहीं होता ना। पर कोई नहीं, ठीक है, हम फिलहाल इसको रणतंत्र पर डाल दे रहे हैं क्योंकि कल परसों कोई मैच है नहीं। दरअसल बात ऐसी है दोस्तों कि कपिल और धोनी की अपार सफलता के बाद अब बंगाल प्रिंस दादा सौरभ गांगुली पर भी एक बायोपिक आने वाली है। जी हां, 90s किड को एक बार फिर से इमोशन के सैलाब में उतारने की तैयारी कर रहा है बॉलीवुड। सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्मी पर्दे पर धोनी को हमेशा के लिए अमर कर दिया और रणवीर सिंह ऐसे कपिल देव बन गए कि खुद कपिल देव को अपनी जवानी की याद आ गई होगी। ऐसे में अब एक और लेजेंडरी भारतीय कप्तान पर बायोपिक बनने वाली है और इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। क्या है ये कंट्रोवर्सी और क्या होने वाली है इस बायोपिक की हाईलाइट, आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। सौरभ गांगुली यानी दादा के जितने फैंस हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाओ। वीडियो शुरू करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जाओ। हाईलाइट नंबर वन, जब एक बायोपिक बनती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उस खिलाड़ी का किरदार निभाएगा कौन। जैसे अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के ओपनर अहमद शहजाद से पूछा गया कि आप पर बायोपिक बने तो हीरो कौन होगा। ज्यादातर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह अहमद शहजाद ने भी बिना सोचे समझे अपना मुंह खोल दिया और भक्क से बोल दिया, ब्रैड पिट। भाई ब्रैड पिट को अगर पता लगेगा ना कि उसे अहमद शहजाद का रोल करना है तो ब्रैड पिट एक्टिंग छोड़कर ना चांदनी चौक में चुनियां डाई करने का काम शुरू कर देगा। बात तो सही है। लेकिन इस बायोपिक में दादा का किरदार निभाने वाले हैं आयुष्मान खुराना। जी हाँ, अभी तो फर्स्ट लुक के बाद ही पता चलेगा कि आयुष्मान खुराना दादा से कितने मिलते जुलते हैं, लेकिन फिलहाल आयुष्मान क्रिकेट के शौकीन भी हैं, उनको अच्छी समझ भी है और सुनने में आया है कि वो लेफ्ट हैंडेड भी हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ है। सूत्रों की माने तो आयुष्मान खुराना ने इस रोल के लिए क्रिकेट की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है, आयुष्मान इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस है क्या या फिर कोई और हीरो हो सकता है? मेरे हिसाब से बंगाली एक्टर जीशु सेन गुप्ता ज्यादा परफेक्ट होते हैं। खैर, इस फिल्म की हाईलाइट नंबर दो की बात करते हैं। जैसे ये खबर इंटरनेट पर पता चली कि आयुष्मान सौरभ गांगुली की बायोपिक में काम करेंगे, आयुष्मान का एक ट्वीट वायरल होने लगा। ट्वीट सितंबर 2009 का है जहां पर आयुष्मान धोनी को लिखा है कि हमारी टीम में विराट कोहली से भी ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी है, मोहम्मद कैफ की तरफ ध्यान दीजिए, वो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं। आयुष्मान का ये ट्वीट देखकर लगता है कि उनको भविष्यवाणी तो कतई नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मामला विराट कोहली से जुड़ा था तो लोगों ने इसको गांगुली से जोड़ लिया। कहा जाने लगा कि एक ऐसा एक्टर जिसको विराट कोहली से प्रॉब्लम है वो सौरभ गांगुली का किरदार कितना बढ़िया प्ले करेगा। और हमें लगता है कि इस बायोपिक में कोहली और गांगुली की लड़ाई दिखाई जानी चाहिए, कम से कम दादा वाला पार्ट तो पता चलेगा। फिर जब कोहली की बायोपिक आएगी तब उनका साइड भी देख लेंगे। इसके अलावा इस बायोपिक में लॉर्ड्स की बालकनी में लहरती टी शर्ट, 2003 वर्ल्ड कप फाइनल हार के बाद मिला दुख और 2002 कोलकाता टेस्ट मैच भी होना चाहिए। और हाँ, थोड़ी सी ग्रेग चैपल वाली भी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती तो मजा आ जाता। खैर, हाईलाइट नंबर तीन, फिल्म अभी ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं हुई है लेकिन लोगों की भावना आहत हो गई है। आपको तो पता ही है हमारे यहाँ क्रिकेट स्टार्स के फैन आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ऐसे में कपिल देव, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के फैंस ये बोल रहे हैं कि आखिर सौरव गांगुली ने ऐसा किया ही क्या है कि उन पर बायोपिक बने। कई लोगों के हिसाब से इस देश में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी और कपिल देव के अलावा कोई और क्रिकेटर है ही नहीं बायोपिक बनाने लायक। लोगों को लगता है कि गांगुली ने कोई भी बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती तो उनकी इतनी इज्जत क्यों। तो भाई देखो, अगर ट्रॉफी से इज्जत देखी जाती तो ट्रॉफी तो फिर लक्ष्मण राहुल द्रविड़ के पास भी नहीं है, लेकिन शायद ही उनसे ज्यादा सम्माननीय कोई खिलाड़ी इंडियन सिस्टम में हो, है कि नहीं। सौरव गांगुली उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान थे जिस वक्त टीम मैच फिक्सिंग के घोटाले से जूझ रही थी। सौरव गांगुली ने उस वक्त टीम को संभाला भी और उनमें लड़ने का जज्बा भी डाला। और कोई कुछ भी बोले, वो मॉडर्न डे में भारतीय क्रिकेट के आर्किटेक्ट रहे हैं। युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, महेंद्र सिंह धोनी, जहीर खान, इंडियन क्रिकेट को ये सारे खिलाड़ी उन्हीं की देन है भैया। इसीलिए हेटर से मेरा ये कहना है कि अगर आपको गांगुली पसंद नहीं है तो आप बायोपिक देखने मत जाना। हम तो फ्रंट सीट पर बैठकर दादा के लिए ताली भी बजाएंगे, सीटी भी बजाएंगे, जैसा कि हम तब भी करते थे जब स्कूल से वापस आकर टीवी खोलते थे और उसमें दादा देश की कप्तानी कर रहे होते थे, है कि नहीं। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है बोलिए ना, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। कल मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ, ओनली ऑन हमारे नोपो चैनल। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत।